Hi, this is Sunil Gupta. You are in my virtual classroom. In our today's class, we are going to learn sum number nine from dissolution chapter. You will find same sum from government textbook. I have taken this sum from government textbook only from unsolved section. In last sum, I had taught you one new adjustment regarding insolvent partner. This is also related to the insolvent partner, okay. As you can see here, Santosh is declared insolvent, so firm is dissolved and assets realized as follows. Students, here we are having this uh, third adjustment, which is a little bit new than the previous one.

और ये सब आइटम है ना आप कहीं पर भी डालेंगे ना तो इनको डालना क्रेडिट साइड पे दिजा दी एडजस्टमेंट संतोष इन हुआ है ओके तो हमको एज यूजल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है हैं? यहाँ पे देखो मैं आपको शो करता हूँ मैंने ऑलरेडी अकाउंट सब जो भी मुझे बनाना है मैंने सब रेडी रखा है इन दिस इज इन द बुक ऑफ वैभव संजय टू पार्टनर्स थ्री थ्री पार्टनर्स आर हियर वे आर हैविंग थ्री पार्टनर्स संतोष संजय संतोष ओके और कॉलम्स आर रेडी तो हमको सिर्फ थ्री अकाउंट्स बनाने हैं रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड दिस वन कैश और बैंक बैलेंस ओके तो चलो हम लोग बिगिन करते हैं कैपिटल अकाउंट वैभव संजय क्रेडिट साइड में आएगा थर्टी सिक्स ट्वेंटी सेवन थाउजेंड वैभव संजय By Balance Brought down Balance Brought down thirty six twenty seven thirty six thousand twenty seven thousand Okay and here Dash Next Creditors दिस टू आइटम विल गो टू द्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटर्स इन ड्राफ्ट हियर दिस इज ए क्रेडिट साइड हियर आई राइट फर्स्ट आई मेक हेड बाय लाइबिलिटीज इस तरह से हेड बनाना है क्रेडिट इन ड्राफ्ट इसके नीचे लिखेंगे हम लोग क्रेडिटस इसका अमाउंट है ट्वेल्व थाउजेंड एटीन थाउजेंड ट्वेल्व थाउजेंड एटीन थाउजेंड टोटल ऑफ विच विल बी टेकन इन ऑर्डर कॉलम लाइबिलिटीज आर ओवर नाउ एसेट में मशीनरी गुडविल स्टॉक एंड गेट टुगेदर विल गो टू द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट

तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे क्योंकि ये डेबिट साइड है राइट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे ये साइड में जाएंगे और हम लोग यहाँ पर यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है ये रेशियो में डिवाइड करेंगे ओके ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड में एटीन थाउजेंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरे इन्फॉर्मेशन के लिए एटीन थाउजेंड है एंड रेशियो एट इस टू फोर इज टू थ्री एट इस टू फोर इज टू थ्री फाइन सो दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड एक लाइन हमें छोड़ देना है मैं बताता हूँ क्यों 2 profit and loss account 18000 into 8 upon 15 hmm? here to 18000 into 4 upon 15 और यहाँ पर भी एटीन थाउजेंड इंटू थ्री अपॉन फिफ्टीन टोटल ऑफ बीच शुड बी एटीन थाउजेंड यस नेक्स्ट इज दिस संतोष कैपिटल अकाउंट स्टूडेंट ये संतोष कैपिटल अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस दिया हुआ है यहाँ पर वैभव संजय का ये पॉजिटिव बैलेंस है इसलिए लाइबिलिटी साइड में ही है बट संतोष कैपिटल अकाउंट एसेट साइड में आने का मतलब है नेगेटिव बैलेंस तो ये जो बैलेंस है ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ये अब आपको शायद से समझ में आ गया रहेगा कि मैंने एक लाइन क्यों आपको बोला था छोड़ने के लिए संतोष कितना है

यहाँ पे हम लोग हेड बनाएंगे बाय बाय बैंक अकाउंट चेक कर लेते हैं अच्छा यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं राइट तो हम लोग क्या करेंगे देखो ये है ना ये बैंक ओवर ड्राफ्ट हम लोग इसको ले लेते हैं नेगेटिव बैंक बैलेंस ठीक है हम लोग कंसिडर करेंगे बैंक बैलेंस कैसा है नेगेटिव है तो क्योंकि ये क्रेडिट साइड में है तो ये बैंक बैलेंस भी क्रेडिट साइड में जाएगा देखो कैसे ऐसे है यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन अमाउंट कितना है एटीन थाउजेंड है हाँ अब यहाँ से यहाँ पे हम लोग बैलेंस ब्रॉट डाउन किया तो लाइब्रेटिस कहाँ पर है यहाँ पे हम लोग इसे नहीं रखेंगे डायरेक्टली हम लोग इसको ये ऑर्डर कॉलम में ले लेंगे यहाँ से इसको डिलीट समझ में आ गया रहेगा आपको शायद से स्टूडेंट अदरवाइज आप ढूंढने लगेंगे कि बैंक बैलेंस तो है ही नहीं तो ध्यान में रखना अब मैं यहाँ से ये कैश अकाउंट रिमूव कर दूँगा बैंक अकाउंट ठीक है तो ये स्टॉक एंड डेटा रिलाइज हो गया फिफ्टी फोर थाउजेंड राइट हियर स्टॉक फिफ्टी फोर थाउजेंड और क्या है गुडविल नील मशीनरी एट बुक वैल्यू मशीनरी सिक्स थाउजेंड machinery 6000 total is 60000 is there any asset left machinery 6000 goodwill nail no, stock data okay tick okay 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 done now this second effect of this will go to debit side of bank account i'll write here to realization account auto column सिक्सटी थाउजेंड हमको रिसीव हुआ है एसेट रियलाइज्ड हुआ है तो यहाँ पर आप लिखेंगे एसेट्स आर रियलाइज क्रेडिटर्स अलाउड डिस्काउंट एट टेन परसेंट क्रेडिटर्स को टेन परसेंट क्रेडिटर्स ने टेन परसेंट डिस्काउंट अलाउ किया है तो कैसे देंगे इसका इफेक्ट देखो पेमेंट करना है क्रेडिटर्स को हाँ या फिर यहाँ पे फर्स्ट इफेक्ट दो या फिर फर्स्ट इफेक्ट ये डेबिट साइड में दे दो बात एक ही है टू मैं यहाँ पे लिखूंगा बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट क्रेडिटर कितना है ट्वेल्व थाउजेंड है डिस्काउंट कितना है टेन <coughs> परसेंट मतलब नाइन्टी परसेंट क्रेडिटर रियलाइज हुआ है देखो यहाँ पे नाइन्टी परसेंट इंटू नाइंटी अपॉन हंड्रेड तो इतना तो हम लोगों ने क्रेडिटर्स का पेमेंट किया है यहां पर हम लोग लिखेंगे पेड फॉर क्रेडिटर्स हम लोग चेक करते हैं कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है या नहीं तो यहाँ पे रिलाइजेशन जैसा कुछ भी नहीं दिया हाँ ये एक है आ, दी फर्म इस, ओके, इस हाँ? फर्म के में है उसको फर्म ने क्लियर किया है नाइन थाउजेंड तो हम लोग ये नाइन थाउजेंड को भी एक साथ ले लेंगे पेमेंट करेंगे और रिजल्य एक्सपेंसेस तो नहीं है ये हो गया तो ये यहाँ पर मैं करूँगा प्लस कितना था वे नाइन थाउजेंड था राइट नाइन्टी थाउजेंड आ गया नाइनटीन थाउजेंड एट हंड्रेड तो यहाँ पर भी ये पे मैं लिखूँगा पेड फॉर क्रेडिटर्स एंड हाँ लाइबिलिटी में लिख दूंगा एक ही हिसाब हो जाएगा लाइबिलिटीज चलो हो गया ये डेबिट साइड में है तो सेकेंड इफेक्ट इसका बैंक के क्रेडिट में जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट नाइनटीन थाउजेंड एट हंड्रेड ओके ये भी हो गया हम्म, अभी एडजस्ट में नंबर थ्री जो कि न्यू है संतोष वुड पे ओनली ट्वेंटी फाइव पैसे इन रुपी ऑफ बैलेंस ड्यू तो संतोष का तो सबसे पहले इसके लिए हमको बैलेंस निकालना पड़ेगा फिर उसके ऊपर ट्वेंटी फाइव परसेंट कैलकुलेट करेंगे जो कि संतोष क्या करेगा पे करेगा तो सबसे पहले बैलेंस निकाल लें और स्टूडेंट्स संतोष अकाउंट का बैलेंस निकालने के लिए हमको इसमें रियलाइजेशन प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा तो अभी हम लोग इस ये जो अकाउंट है ना रियलाइजेशन अकाउंट इसको क्लोज़ करेंगे दिस साइड टोटल इज सेवेंटी टू थाउजेंड और डेबिट साइड का टोटल है नाइन्टी वन थाउजेंड एट हंड्रेड तो नाइन्टी वन थाउजेंड एट हंड्रेड ये हायर अमाउंट है ये नाइन वन थाउजेंड एट हंड्रेड विल बी रिकॉर्डेड ऑन बुद्धि साइड कितना चेक करते हैं नाइन्टी वन थाउजेंड एट हंड्रेड नाइन्टी वन थाउजेंड एट हंड्रेड विल बी रिकॉर्डेड ऑन बुद्धिटी वन थाउजेंड एट हंड्रेड इक्वल टू नाइन्टी वन थाउजेंड एट हंड्रेड माइनस सेवेंटी टू थाउजेंड तो वी आर गेटिंग बैलेंस Of rupees 19,800. I'll remove this ticket. This has to be divided among three partners Santosh, last partner, then second last partner, Sanjay, first partner, Webho two partners capital account ratio is given over here so nineteen thousand eight hundred into eight upon fifteen nineteen thousand eight hundred into four upon fifteen and in thousand and in thousand एट हंड्रेड इंटू थ्री अपाउंड फिफ्टीन टोटल शुड बी नाइन्टी थाउजेंड एट हंड्रेड सेकेंड इफेक्ट ऑफ दिस इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ सेकेंड इफेक्ट ऑफ दिस विल गो टू हियर डेबिट साइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड हियर आई राइट रियलाइजेशन अकाउंट आई राइट हियर लॉस टेन थाउजेंड फ़ाइव सिक्सटी फाइव थाउजेंड टू एटी थ्री थ्री थाउजेंड थ्री थाउजेंड नाइन सिक्सटी चेक करते टेन थाउजेंड फाइव सिक्सटी फ़ाइव टू एट ज़ीरो थ्री नाइन सिक्स ज़ीरो ओके अब हम लोग संतोष का है ना बैलेंस अभी चेक करेंगे हाँ ये टाइम आ गया है बैलेंस चेक करने का देखो इसका टोटल कितना है टेन थाउजेंड फाइव सिक्सटी है दिस अमाउंट विल बी रिटर्न ऑन बोथ दिस साइड यह अमाउंट दोनों साइड में हम लोगों ने लिख दिया ओके क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग क्या बोला है संतोष कुड पे ओनली ट्वेंटी फाइव पैसे इन रुपी ऑफ द बैलेंस अमाउंट तो बैलेंस तो हमको मिल गया है उसमें से ट्वेंटी फाइव परसेंट उसने पे किया है तो देखो हम लोग ट्वेंटी फाइव परसेंट इसका निकालेंगे यहाँ पे मैं निकालूँगा टेन थाउजेंड फाइव सिक्सटी इंटू कितना ट्वेंटी फाइव परसेंट रिसीव हो गया ना इंटू ट्वेंटी फाइव अपॉन हंड्रेड मतलब इतना टू सिक्स फोर ज़ीरो टू सिक्स फ़ोर ज़ीरो इतना पैसा उसने पे किया है हमको तो यहां पर हमको मतलब फर्म को तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट एंड सेकेंड इफ विल अपियर ओवर हियर टू संतोष कैपिटल अकाउंट यहां पर ब्रैकेट में लिख दूंगा ट्वेंटी फाइव परसेंट रिकवर्ड अभी चेक करो कितना बैलेंस आ रहा है यहाँ पे मैं करूँगा रफली टेन थाउजेंड फाइव सिक्सटी माइनस टू सिक्स फोर ज़ीरो कितना है सेवन नाइन टू जीरो आया अब सेवन नाइन टू जीरो इसको बोलते हैं कैपिटल डेफिशिएंसी मतलब संतोष को इतना और देना बाकी है बट वो दे नहीं पा रहा है तो सेवन नाइन टू जीरो ये रिमेनिंग टू पार्टनर क्या करेंगे शेयर करेंगे और ये है ना ये इसका बाइफर्गेशन अच्छा ये सेवन नाइन टू जीरो इसी में बैलेंस आ रहा है ना तो इसको स्प्लिट करेंगे एमंग टू पार्टनर्स यहीं पे टू पार्टनर्स मतलब कौन जो ऑलरेडी जो आ, पार्टनर है जो कि अच्छे खासे बिजनेस उनका जिनका चल रहा है उनका देखो कैसे करेंगे सेवन नाइन टू ज़ीरो को फर्स्ट पार्टनर कितना लेगा इसमें सेवन नाइन टू ज़ीरो इन टू अब रेशियो क्या हो जाएगा इनका एट इज टू फोर तो एट अपॉन ट्वेल्व इसका जगह फाइव फाइव टू एट ज़ीरो और दूसरे पार्टनर का सेवन नाइन टू ज़ीरो सेवन नाइन टू ज़ीरो इन टू फोर अपॉन ट्वेल्व टू सिक्स फोर ज़ीरो अब ये 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 फर्स्ट पार्टनर का शेयर है ना फर्स्ट पार्टनर मतलब कौन वैभव बाय वैभव ये शेयर करेगा वैभव कैपिटल अकाउंट और ये कौन शेयर करेगा सेकंड पार्टनर शेयर करेगा संजय कैपिटल अकाउंट ओके अब इसका अकाउंट टेली हो गया है संतोष का दोनों साइड का इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा हियर इट इज इन क्रेडिट साइड सेकंड इफेक्ट विल गो टू डेबिट साइड दैट इज ओवर हियर विल राइट टू संतोष कैपिटल अकाउंट फाइव टू एट जीरो एंड हियर टू सिक्स फोर जीरो अब ये साइड का टोटल कितना है ट्वेल्व सेवन टू जीरो and total of this is twenty five four four zero twenty five four four zero अब देखो संजय का ट्वेंटी सेवन थाउजेंड यह हायर अमाउंट है तो ट्वेंटी सेवन थाउजेंड ये अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड ऑन बुद्धि साइड इस तरह से बैलेंस कितना आ गया देखो ट्वेंटी सेवन थाउजेंड ट्वेंटी सेवन थाउजेंड माइनस फोर थाउजेंड एट हंड्रेड माइनस फाइव टू एट ज़ीरो फोर थाउजेंड एट हंड्रेड फाइव टू एट ज़ीरो तो ये भी माइनस करना था तो मैं क्या करूँगा देखो मैंने यहाँ पे टोटल लिखा ही है ना ये तीनों का टोटल मैंने यहाँ पे लिखा है ट्वेल्व थाउजेंड सेवन ट्वेंटी तो ट्वेंटी सेवन थाउजेंड माइनस ट्वेल्व थाउज़ेंड सेवन टू ज़ीरो तो वी आर गेटिंग बैलेंस फोर्टीन थाउजेंड टू एटी इसको बोल्ड कर देता हूँ मैं जो हमको लेना है आप यहाँ पर भी देखो थर्टी सिक्स थाउजेंड ये वाला हाइयर अमाउंट है हायर अमाउंट हम लोग बुद्धि साइड रिकॉर्ड करेंगे आप थर्टी सिक्स थाउजेंड थर्टी सिक्स थाउजेंड माइनस देखो मैंने यहाँ पे टोटल लिखा है डेबिट साइड का वैभव का टोटल ट्वेंटी फाइव फोर फोर्टी ट्वेंटी फाइव फोर फोर्टी तो हमको बैलेंस मिलता है यहाँ पे टेन थाउज़ेंड फ़ाइव सिक्सटी ये मैं यहाँ पे ले लूँगा बराबर है थाउजेंड फाइव सिक्सटी बराबर रिमूव यहां पे मैं लिखूंगा टू बैंक अकाउंट हमेशा ध्यान में रखना पार्टनर्स कैपिटल में जो बैलेंस आता है हम लोग उसको बैंक अकाउंट में डालते हैं जिसको कि हम लोग बोलेंगे फाइनल सेटलमेंट अकॉर्डिंगली हियर इट इज इन डेबिट साइड सेकेंड इफेक्ट विल गो टू क्रेडिट साइड

ओके टेन थाउजेंड फाइव सिक्सटी फोरटीन थाउजेंड टू एट जीरो इसका टोटल आता है ट्वेंटी फ़ोर एट फोर ज़ीरो ट्वेंटी फोर एट फोर ज़ीरो अब चलो बैंक कॉलम टेली करते तो ये आता है अच्छा यहाँ पे हम लोग ने इसका नहीं लिखे हैं टू सिक्स फोर ज़ीरो टू सिक्स फोर जीरो इसका टोटल आता है सिक्सटी टू सिक्स फोर्टी सिक्सटी टू सिक्स फोर्टी और यहाँ कभी देखो बैलेंस उतनी आ रहा है सिक्सटी टू थाउजेंड सिक्स फोर्टी तो हमारा ये सम स्टूडेंट सॉल्व हो चुका है राइट ये हमारा डिजोल्यूशन uh, में जो पार्टनर इन सोलेंट होता है उसमें ये टाइप टू था एंड आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो समझा है तो आप अपने फ्रेंड्स लोगों को भी ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं सो दैट लॉकडाउन टाइम में सब लोग अपने घर पर ही हैं तो घर पर से ही वो लोग क्लासेस मतलब पढ़ सके सीख सके बीके सो आई वाइंड अप माई टूडेज़ क्लास थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो Thank you once again.